प्राचीन काल की बात है। महर्षि थौम्य के आश्रम में कुछ शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम में रहने वाले शिष्य वहां के कामों में भी हाथ बटाते थे। लकड़ी लाना, फल फूल लाना, पानी लाना, ये सब आश्रमवासी शिष्य ही किया करते थे। महर्षि धौम्य के पास धान का एक खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। शिष्यगण बारी बारी से इस खेत पर काम किया करते थे। इन कामों में धान बोना, पौधे रोपना, निराई करना आदि शामिल था। महर्षि अपने शिष्यों से पुत्रवत स्नेह रखते थे। शिष्य भी गुरुजी की सेवा मन लगाकर करते थे। इन्हीं शिष्यों में एक था आरुणी। एक दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। महर्षि को चिंता हुई कि कहीं वर्षा का पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। उन्होंने आरुणी को बुलाकर अपनी चिंता बताई और उसे खेत पर जाने को कहा। आरुणी जब खेत पर पहुंचा तब संध्या होने वाली थी। आरुणी ने देखा कि खेत की मेड़ में एक स्थान पर दरार पड़ गई है जिसमें से पानी रिस रहा है। उसने दरार में कुछ मिट्टी डाली लेकिन उससे पानी का रिसना बंद नहीं हुआ। आरुणी ने दरार में कुछ और मिट्टी डाली पर पानी का रिसाव बढ़ता ही गया। बार बार मिट्टी डालते जाने पर भी पानी का रिसाव बढ़ता ही जा रहा था। इससे मेड़ की दरार चौड़ी होती जा रही थी। अब आरुणी चिंता में पड़ गया। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेड़ टूट जाए और खेत का सारा पानी बह जाए। सहसा आरुणी के मन में एक विचार कौंधा। वह मेड़ के पास इस प्रकार लेट गया ताकि मेड़ की दरार उसकी पीठ से ढक जाए। ऐसा करते ही खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। आरुणी भीग तो चुका ही था, पानी में पड़े पड़े ठंड के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। रात हो गई, वर्षा भी थम गई, लेकिन आरुणी मेड़ के किनारे ही लेटा रहा। इधर आश्रम में सबको चिंता होने लगी कि वह अभी तक क्यों नहीं लौटा। महर्षि व्याकुल हो उठे। वे अपने चार पांच शिष्यों के साथ खेत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां पानी भरा हुआ था, लेकिन उन्हें आरुणी कहीं दिखाई नहीं पड़ा। कारण चारों ओर अंधेरा था। इससे महर्षि को और भी चिंता हुई। उन्होंने ऊंची आवाज लगाई, आरुणी बेटा, आरुणी। आरुणी ने गुरुजी की आवाज पहचान ली। ठंड के मारे वह बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वह कठिनाई से बोल सका। गुरुजी, गुरुजी, मैं यहां हूं, खेत में मेड़ के किनारे लेटा हूं। महर्षि उधर बढ़े जिधर से आवाज आई थी। मेड़ के पास पहुंचकर जब उन्होंने आरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। महर्षि ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे, बस वे आरुणी का माथा चूमे जा रहे थे। इतना साहसी था वह छोटा सा बालक आरुणी, और ऐसी थी उसकी गुरु भक्ति।